नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लीज एग्रीमेंट कैसे बनेगा, कितना साल का लीज एग्रीमेंट बनाया जाएगा, उद्यमी योजना में लीज एग्रीमेंट का आवश्यकता क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है और कैसे बनाया जाएगा, और ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के अंत में मैंने बताया है ये पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये लीज एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट रहेगा क्या लिखा जाएगा। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीज एग्रीमेंट कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर 1000 रुपये का लीज एग्रीमेंट बनवाना है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे बाज़ाब्ते के साथ यहाँ पर दिया हुआ है बिहार सरकार, तो ऐसा फॉर्म आपको आएगा और यहाँ पे कोई नोटरी जो रहता है उससे यहाँ पर टाइपिस है ना, उससे टाइप करवा लेना है लीज एग्रीमेंट। यहाँ पर है लेखकारी आपका, यहाँ पर जो जिनका मकान है। लीज एग्रीमेंट किसका बनता है, जिसका मान लेते हैं कि अगर उद्यमी योजना में की मैं बात करूं तो यहां पर पिता के नाम से ज़मीन है तो बेटा को अपने रिलेशन में है तो उसको लीज एग्रीमेंट, अगर दूसरा का अगर कोई रेंट पर है तो कहीं अपने माने रिलेशन से बाहर है तो वहां पर रेंट एग्रीमेंट लगेगा। और लीज एग्रीमेंट है कि अपना शाखा संबंधी है तो उस परिस्थिति में जो है अपना रिलेशन में है तो जैसे पिता है ससुर है तो वैसे में आप लीज एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर लीज एग्रीमेंट में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पिता का उम्र दिया हुआ है और पिता का वर्ष यानी कि जिनका ज़मीन है उनके पिता का यहाँ पर नाम रहेगा। आप किस जाति से आते हैं, जाति यहाँ पर दिया हुआ है, पेशा कौन सा करते हैं, बिजनेस तो खेती है, किसान है। इसके बाद जो मौजा क्या है वो सब थाना वगैरह सभी सब आता है तो वो यहाँ पे दे देना है, जैसे विलेज है, पोस्ट ऑफिस है, थाना है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेशन आईडी भी आप चाहे तो दे सकते हैं। इसके बाद आप अटेस्टेड करवा लेंगे नोटरी से, समझ रहे हैं, तो नोटरी से यहाँ पर देख सकते हैं नोटरी का यहाँ पर है। इसके बाद है कि यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर फिर वही बात यहाँ पर देना है, जाति पेशा ये सब आपको, पोस्ट मौजा के मतलब थाना होता है थाना, इसके बाद पोस्ट ऑफिस जिला, आधार नंबर मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद कितना साल का जो है रेंट एग्रीमेंट बनेगा, तो रेंट एग्रीमेंट आपका जो है ना 10 से लेकर के 15 साल के बीच में आपको बनवाना है, यानी 10 साल से ऊपर का रहेगा, कम से कम 10 साल रहेगा, 10 साल से ऊपर जितना भी करवा सकते हैं। लीज एग्रीमेंट का वैसे अलग अलग अति होता है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो ये 11 वर्षों के लिए और कितना 60,000 रुपया वार्षिक संपत्ति का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद ये आपको यहाँ पे थाना ये सब दिया हुआ है, रकबा और ज़मीन का चौहद्दी, उत्तर में किसका ज़मीन है, दक्षिण में, पूर्व में, ये सब का। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तर चौहद्दी, ज़मीन का जो चौहद्दी है वो दिया जाता है, तो उत्तर में किसका है, दक्षिण में किसका ज़मीन है, आपके ज़मीन का अगल बगल में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किसका है वो यहाँ पर दे देना है। इसके बाद आपका जो पृष्ठ संख्या 2 पर आ जाना है। 2 में क्या है कि वास्तविकता यह है कि जो खाता नंबर दे देना है, ज़मीन किसके नाम से है वो देना है। वैसे ये इतना जो मैंने टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीडीएफ कैसे पीडीएफ मिलेगा इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में थोड़ा मैं बात कर दूंगा कि पीडीएफ चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद ये बातें जो है ना जहाँ पे आप टाइपिंग करवाएंगे तो उसको पता रहता है, लेकिन किस मैटर पे आपको चाहिए तो वो थोड़ा उसको बोलना पड़ता है। तो ये आपको वीडियो आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है कि यहाँ पर कैसे हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उद्यमी योजना से रिलेटेड है तो और भी लीज एग्रीमेंट भी और भी कई काम में लगता है। लेकिन यहाँ पर समझे कि मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ज़्यादातर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इसीलिए मैं एक लीज एग्रीमेंट पर मैं चाहूँ कि एक वीडियो हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो दिया हुआ है कि आप बाज़ाब्ते के साथ कि जो खतियाना ज़मीन है जिस पर लेखकारी पूर्ण हकीकत के साथ शांतिपूर्वक
काबिल दाखिल में चले आ रहे हैं। लेखधारी को मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत जो बिजनेस प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है, आईटी व्यापार उत्पादन के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, वो लेखकारी के पास ज़मीन खाली है, इसलिए लेख जो धारी है लेखधारी है और लेखकारी है, समझे, तो से आग्रह किया तो वह अपनी खाली ज़मीन पर प्लांट बैठाने के लिए किराया पर दिए। वो लेखकारी अपनी ज़मीन निम्नलिखित शर्तों पर लेखधारी को किराया पर देने के लिए तैयार किया जाता है। तो लेखकारी का मतलब है कि जिनका खुद का ज़मीन है, और लेखधारी का मतलब है जो लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह ज़मीन के लिए जो लीज का किराया है वो किराया कितना का रेंट एग्रीमेंट के तहत जो होता है ना, वैसे ही लीज एग्रीमेंट में आप दर्शा दीजिएगा कि 60,000 रुपया जो है वार्षिक हम भुगतान करेंगे हर वर्ष के जनवरी माह के, यहाँ पर देख सकते हैं 10 तारीख के अंदर जो है लेखधारी लेखकारी को अदा कर देगा। यह कि लेखधारी प्लांट बैठाने के लिए जो बिजली का कनेक्शन लेंगे वो अपने नाम से लेंगे, वो उसका बिल जो है खुद अपने से भुगतान करेंगे। इसके बाद है कि यह जो लीज की अवधि है समाप्त होने के बाद लेखकारी और लेखधारी आपसी सहमति से अवधि को बढ़ा सकते हैं। अगर मान लेते हैं लीज एग्रीमेंट का जो रेंट है अवधि अगर समाप्त हो जाए तो दोनों में आपस में मिल मिलाप कर लेंगे और उसको बढ़ा सकेंगे, आपसी सहमति से आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। यह कि शर्त लागू होने की स्थिति में यह लीज 11 वर्षों के लिए मान्य रहेगा, और ये 11 वर्षों का लीज एग्रीमेंट बनाया गया है, समझे। तो एक जो इसका लीज एग्रीमेंट का आवश्यकता, वैसे उद्यमी योजना में जब पहला किस्त की राशि सपोज जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, ये सेल ये सब मांगता है, उस टाइम आपसे लीज एग्रीमेंट मांगा जाएगा। तो जब भी मांगा जाएगा तो वहाँ पर तकरीबन 10 यहाँ पर देखते हैं 10 वर्ष से कम 10 वर्ष का आपका लीज एग्रीमेंट होना चाहिए या तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके बाद है कि यहाँ पर देख सकते हैं और भी बातें हैं कि स्टेटस करना है यहाँ पर इनका जो लेखकारी और लेखधारी के बीच में जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पर दे देना है। तो लेखधारी का हस्ताक्षर जो कैंडिडेट है उनका रहेगा, लेखकारी जी का जो जिनका नाम से ज़मीन है उनका रहेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर गवाह में जो है दोनों को छोड़ करके गवाह कोई तीसरा पक्ष को गवाह बना देना है। और भी एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो दो लीज एग्रीमेंट मेरे पास है, दोनों का मैं आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। लीज एग्रीमेंट आपको ये बनेगा 1000 का जो स्टाम्प पेपर है उस पर बनाया जाएगा, और ये कहाँ पे बनता है तो अपने ब्लॉक में जाइए, या तो आप अपने जो जिला है जिला अनुमंडल के पास है जो वकील सब हाई कोर्ट रहता है ना वहाँ पर ये सब मिल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर कोई नोटरी आपको मिलेगा तो या कोशा जो वहाँ पर जो नोटरी से मिलनी साइन आपको कराना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा, पिता का या पति का नाम रहेगा, इसके बाद विलेज पोस्ट ऑफिस ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, समझे, वैसे नोटरी तो अलग है, यहाँ पर जो टाइपिस्ट जो रहता है वो सब जानता रहता है, वो आपको हेल्प कर देंगे। इसके बाद है कि आपका जो थाना है कौन है, जिला कौन है, लीज एग्रीमेंट आप कितने साल का बनाएंगे, यहाँ पर जो लीज एग्रीमेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 साल का लीज एग्रीमेंट यहाँ पे बनाया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 12 साल का है वो खाता खेसरा ये सब कितना है, वो यहाँ पे आपको संपत्ति का विवरण आपको देना है, खाता खेसरा। इसके बाद आपका आ जाएगा कि रकबा कितना है और कितना कट्ठा में है, और इसमें आपका जो थाना अंचल जिला
ये सब देना है। इसके बाद आपका दूसरा पेज पर चले आना है। दूसरा पेज यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यह तो रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ पर भी आपको ये बन जाएगा, टाइपिस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपका कहाँ पे रजिस्ट्री कार्यालय है वो आप दे दीजिएगा। इसके बाद आपका जो ज़मीन है, ज़मीन का जो चौहद्दी है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में किसका ज़मीन का है, तो और दक्षिण यहाँ पश्चिम में इनका सड़क है, तो आप अपने ज़मीन का जो चौहद्दी होता है आपके ज़मीन के चारों बगल से किनका किनका ज़मीन है वो उनका दर्शाना होता है। इसके बाद आपका आ जाता है कि यह कि भूखंड लेके धारी एवं उनके पिताजी, समझ रहे हैं, उनके पिताजी पिताजी का नाम यहाँ पर दे देना है कि नाम से निबंधित विक्रय विलेख हैं। विक्रय विलेख के उपरांत से लेके धारी को जो मावाजी है, तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर रहेगा। इसके बाद जो कितना कट्ठा ज़मीन है वो दखल कब्जे में है, उनका स्वामित्व प्राप्त है, जिस स्वामित्व के आधार पर लेखकारी स्वेच्छा से अपने पुत्र को रोजगार हेतु, समझे, लीज पर दो कमरा और ऊपर छत दे रहे हैं, यानी छत के ऊपर इनका ये दे रहे हैं, ये बात है। जहाँ पे आपका होगा वो यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद यह कि लेखे ज़मीन लेखकारी के पूर्ण स्वामित्व के आधार पर जो दखल कब्जा में है, जिसे लेखकारी अपने पुत्र पुत्र का नाम यहाँ पे दर्शा देना है, जो कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण मैंने यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, समझे, तो पुत्र का नाम दे देना है। और कितने साल के लिए आपका बनेगा लीज एग्रीमेंट, तो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 10 साल का बनेगा, तो 10 साल से ऊपर आपको ले लेना है। ये 12 साल के लिए, 12 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेंट बनाया है। श्री मंगल इंडस्ट्री फॉर्म खोल करके यहाँ पर आप अपना जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का नाम दे देना है। उस फॉर्म को चलाने के लिए स्वेच्छा से दे रहा हूँ, और इस भूमि पर लीज धारी जैसा एवं जिस प्रकार का चाहे व्यवसाय कर सकते हैं, इस पर लीज धारी को किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं है। लीज धारी चाहे तो अपने फॉर्म खोलने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे तो अपने फॉर्म खोलने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो CM, SC ST, EBC, जो भी आप उद्यमी योजना के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए ले सकते हैं। इसके बाद आपको आ जाना है जारी पेज 3 पर आ जाना है। 3 पेज पर यहाँ पर है, मैंने इससे पहले जो बताया था उसमें 2 पेज में है, ये 3 पेज में है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। यह कि मजमून का इकरार लेखकारी एवं लेखधारी ने इस एग्रीमेंट के मजमून के पढ़वा कर या हो सकता है कि नहीं पढ़ने में सक्षम, किससे पढ़वा लें या सुन लें, समझ लें, उसके आधार पर जो है और सही लिखा पाकर राजी खुशी से स्वेच्छा से बिना किसी दबाव में कि अपना अपना जो छाप है, हस्ताक्षर है गवाहों के समकक्ष, बिना जोर जबरदस्ती के, बिना दिया बना दिया ताकि समय पर काम आवे। तो ये आपका जो फोटो है, फोटो लेखधारी एवं क्रेता का हस्ताक्षर और फोटो लेखकारी विक्रेता का हस्ताक्षर। तो मैंने बताया कि आपको लेखकारी जो जिनके नाम से ज़मीन रहेगा और जो लेना चाहें क्रेता रहेंगे उनको लेखधारी बोलेंगे। तो यहाँ पर आप अपना साइन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जैसा कि फोटो पर अटैच कर करके आपको अपना सिग्नेचर करना है। जो कैंडिडेट है, लाभार्थी है, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पिताजी कहीं स्वर्गवास में है तो अंगूठा का निशान लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पर अपना क्या करेंगे, ये जो लीज एग्रीमेंट आप यहाँ पर जो वैसे अगर कहीं पति मर गया हो तो उसका मां के नाम से होगा, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ पे इनका पिताजी तो जिंदा है, तो इसलिए यहाँ पर ये साइन करवाए हैं पिताजी का और ये इनका पुत्र हुए हैं। इसके बाद गवाह में 2-3 आदमी का गवाह में यहाँ पर ले लिया है, गवाह का हस्ताक्षर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना गवाह जो होगा अदर पर्सन आपको यहाँ पे गवाह में रखना है। इसके बाद यहाँ पे नोटरी जो होंगे वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इस तरह से आपका ये पूरे लीज एग्रीमेंट बन करके आपका तैयार हो जाएगा।
और ध्यान रखना है कि 1000 के स्टाम्प पेपर पर ही मान्य होगा। A few moments later. अगर आपको लीज एग्रीमेंट का जो PDF चाहिए तो टेलीग्राम सबसे पहले आपको ज्वाइन कर जाना है। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है ये मैं बताऊंगा। टेलीग्राम जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो वहाँ पे टाइप करना है हैज टैग लीज LEASE हैज टैग लगा करके जो भी टाइप करेंगे ये PDF आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।